एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे ये हवेली एक विशाल बगीचे के बीचों बीच स्थित थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। हवेली के बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी कोई रहस्यमय साया दिखाई देता है हवेली की एक पुरानी किताब में लिखा था कि हवेली के भीतर एक गुप्त द्वार है जो एक खजाने को छुपाए हुए है इस खजाने के बारे में कई खोजी दस्तावेजों में भी उल्लेख था लेकिन किसी को भी वह हवेली के गुप्त द्वार के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई एक दिन एक साहसी खोजी विवेक हवेली की गहराई में छिपे खजाने की खोज में आया विवेक ने हवेली के पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया और हवेली की हर एक कोने की बारीकी को जाना हवेली के भीतर की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह और नक्शे देखे गए थे जो किसी रहस्य में दीवार की ओर इशारा कर रहे थे विवेक ने हवेली के बगीचे के कोने में एक पुराना पैनल देखा पैनल पर लिखी हुई गुप्त भाषा को समझकर उसने उसे खोला और एक गुप्त सुरंग का पता लगाया सुरंग की ओर बढ़ते हुए विवेक को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सुरंग के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था लेकिन विवेक ने अपने साहस और बुद्धिमता से इन बाधाओं को पार कर लिया था सुरंग के अंत में विवेक ने एक रहस्यमय द्वार देखा द्वार के पास एक पुराना तिजोरी था जो किसी समय इसे बंद रखने के लिए बनाया गया था विवेक ने तिजोरी को खोलने के लिए एक पुरानी कुंजी का उपयोग किया जिसे उसने सुरंग के भीतर एक जगह छिपा हुआ पाया था जैसे ही तिजोरी खुली हवेली के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई विवेक ने देखा कि तिजोरी के अंदर शानदार खजाना छुपा हुआ था सोने और हीरे से भरी हुई बोरियां। लेकिन अचानक हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वहां एक साया प्रकट हुआ विवेक ने महसूस किया कि हवेली में एक रहस्यमय शक्ति मौजूद थी जो उसे खजाना निकालने की सजा देने आई थी विवेक ने अपने साहस को संचित किया और हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन हवेली के रहस्यमय साया ने उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश की विवेक ने खुद को बचाने के लिए अपने खजाने को छोड़ दिया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की आखिरकार विवेक हवेली के गुप्त द्वार को बंद कर दिया और वहां से भाग निकला हवेली फिर से उसी पुराने अंधकार और सन्नाटे में लौट आई विवेक ने खजाना तो नहीं पाया लेकिन उसने हवेली के रहस्य में द्वार का सच उजागर किया हवेली का रहस्य आज भी जियो का थियो बना हुआ है और विवेक की साहसिकता की कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है इस तरह हवेली का गुप्त द्वार और उसके रहस्य में खजाने की कहानी एक रहस्य में थ्रिलर बन गई जो सभी को चुकाने और हैरान करने में सक्षम है